क्या बच्चों को आश्वासन दिया आपने, आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया? ऐसा है, बच्चों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उनके यूएमसी रजिस्टर्ड हुए हैं, वो उनको हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये बच्चे हमारे अपने हैं, और बिल्कुल हम ये अश्योर करेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह भी कोई नाजायज कार्रवाई ना हो। अगर किसी बच्चे का लगता है कि उसका गलती से यूएमसी बना है, कहीं कोई भी गलती या कहीं कोई भी शंका आती है, तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाएगा, उसकी यूएमसी रिमूव कर दी जाएगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उसके नकल करने के पुख्ता सबूत पाए जाते हैं, तो उन केसेस पर तो जो हमारे रूल्स के अंडर जो उसकी पनिशमेंट है, जो वो उसको दी जाएगी। लेकिन कहीं भी थोड़ी सी भी शंका होती है कि इसमें बच्चे की गलती नहीं है, तो उसका उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए। तो सर, डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए थे और टोटल कितने यूएमसी बने सर ऑनलाइन? अभी जो बात कर रहे हैं वो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है पीछे, उसमें करीब आप ये मान लो कि 12,000 बच्चे ऑनलाइन अपीयर हुए थे, और उसमें से 800 बच्चों पे यूएमसी रजिस्टर्ड हुई। टोटल 23 हुआ कुछ बता रहे हैं? नहीं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो वो अभी रिजल्ट आने के बाद उसमें 800 में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी हैं जिन पे यूएमसी रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन टोटल 23,000 बच्चे थे। फर्स्ट सेमेस्टर का अभी रिजल्ट बाकी है, और अभी जो रिजल्ट आया है वो 15,000 बच्चों का आया है। तो इसमें अगर छोटे मोटे बच्चे का इंटरनेट की वजह से कोई यूएमसी बन गया 2-4 मिनट के लिए, तो वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा होता है कि बच्चे ने नकल कर रखी है, तो वो जो रूल्स में जो हमारे पनिशमेंट के रूल है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पीडीएफ अपलोड करने में एरर आ रहा था सर? नहीं, ऐसा है कि देखो, हमने बच्चों को दो तरह के ऑप्शन दिए हैं शीट अपलोड करने के। एक बच्चा पेज वाइज कर सकता है, 1 से 40 पेज तक का ऑप्शन होता है, एक एक पेज करके उनकी जेपीजी अपलोड कर सकता है। और जो बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता, तो उसको पूरी शीट का पीडीएफ बना के भी अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो अब जो बच्चे ये कहते हैं कि मैंने 10 पेज अपलोड कर दिए, 15 पेज अपलोड कर दिए, अब देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बच्चा घर बैठ कर पेपर दे रहा है, ये कौन अश्योर करेगा कि उसने कितने पेज लिखे? अगर उसके 10 पेज अपलोड हो गए, उसको हमने 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है अपलोड करने के लिए, 10 पेज अपलोड हो गए, 15 पेज अपलोड हो गए, 20 पेज अपलोड हो गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी आंसर शीट अपलोड नहीं हुई। रही बात 1 से 2% बच्चे जो अपीयर होते हैं रोज, उनका इश्यू आता है कि 1 से 2% बच्चों की शीट अपलोड नहीं होती, तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये बच्चों के एंड में है, उनका हार्डवेयर और इंटरनेट का इश्यू होता है, तो उनकी वजह से। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिस सॉफ्टवेयर से हमारा विश्वविद्यालय एग्जाम करा रहा है, उसका ये जो रेशियो है, ये सारे जो दूसरे हो रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, उनमें सबसे कम है। सर, जो यूएमसी कंफर्मेशन है वो रिजल्ट आने के बाद हुई है, साथ के साथ हो जाती है जो इस प्रोसेस में? नहीं, इसमें 2-3 तरीके से यूएमसी बनता है। एक तो साथ के साथ बच्चे को मैसेज चला जाता है कि उसका यूएमसी बन गया, कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी होती है, या वो कंटिन्यूस लॉग आउट करता है, या ये भी होता है कि वो मल्टीपल डिवाइस पर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे ये भी करते हैं, कुछ बच्चों को ये होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों को अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हैं। अब वो क्या हो रहा है, उसने यहाँ चला रखे, दूसरी जगह से कोई शीट अपलोड कर रहा है, या दूसरी जगह से शरारत करके लॉग इन कर रहा है, तो वो भी यूएमसी बन जाता है। ये तो हो गया जो मैसेज आता है। उसके बाद हमारी टीम वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है उनको देखती है, उसमें किसी में रैंडमली सैंपल चूज करके देखे जाते हैं, कहीं कोई शंका पाई जाती है तो उस पर यूएमसी रजिस्टर्ड है। तीसरा, जब शीट्स चेक होने जाती हैं, तो अब ये देखा जाता है कि एक ही शीट पे मल्टीपल हैंडराइटिंग है। जो बच्चे कह रहे हैं कि उसकी हैंडराइटिंग 3 घंटे लिखता है, डिफरेंस हो जाती है वो, लेकिन उसका फ्लो एक ही रहता है। लेकिन ये नहीं होता कि पहला क्वेश्चन किसी और हैंडराइटिंग में है, दूसरा क्वेश्चन फिर और हैंडराइटिंग में है, तीसरा क्वेश्चन फिर और हैंडराइटिंग में। तो ऐसे केसेस के यूएमसी बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग हैंडराइटिंग में, कंटिन्यूस फ्लो वाले में नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो उन बच्चों पे यूएमसी बनता है। उसके बाद भी यूएमसी के केसेस पे डिसीजन लेने के लिए कमेटी बनती है, वो कमेटी जिन बच्चों पे यूएमसी रजिस्टर पर, सबको मौका दिया जाता है कि वो आगे अपनी बात कहे, और उसको दिखाया जाता है भाई ये चीजें हैं। उसके बाद अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर है बच्चे के पास, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। अगर
वो डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि जिसमें ये प्रूव हो रहा है किसी ने नकल की है या नकल करने की कोशिश की है, तो उसमें जो हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एक्शन होता है। तो सर आपके पास जैसे कौन लेना तो उचित नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूँ सॉफ्टवेयर तीन चार चीजों पर काम करता है। सॉफ्टवेयर है एक मशीन है, आईटी टूल है एक, उसमें क्या होता है बच्चे का कंटिन्यूसली लोग ऑफ हो रहा है, तो कंटिन्यूस लोग हो रहे टाइम फ्रेम 2-3 मिनट का लगा होता है उस पर, उसके बेसिस पे मान लो वो 2-3 बार से ज्यादा लोग आउट हो गया तो केस बन जाता है। वो ऑलरेडी एक डिवाइस पे लॉग इन है, दूसरे डिवाइस पे लॉग इन की कोशिश करता है तो पता लग जाता है कि ही इज ट्राइंग टू लॉग इन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, तो उसके बेसिस पे केस बनता है। जो कैमरा है चल रहा है, बच्चा उस कैमरे से उठ के चला गया और काफ़ी देर तक वापस नहीं आया, या उस कैमरे के सामने बहुत सी अनड्यू मूवमेंट्स हैं और लोग मूव कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में UMC बनता है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटिन्यूस इवेल्यूशन प्रोसेस का इवोल्यूशन हो रहा है इसका, जैसे जैसे हमें पता चलता है कि बच्चे किस तरह से नकल करने के, अभी पीछे क्या हुआ कि कुछ YouTube पे वीडियो आए उसमें बच्चों को BEd के बच्चों को वो नकल करने के तरीके सिखा रहे हैं, वो ऐसे तब हैं, चलो वो तो हम बच्चों के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रोसेस नहीं, यूनिवर्सिटी देखो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, हमारा काम है अगर हम उनके जाल में फंस गए तो उनके साथ उलझ के रह जाएंगे, हमारा काम है कि हम नकल रोकने के कैसे स्टेप उठाएं, तो हम उसमें ऐसा कर रहे हैं, तो हमने देखा कि वो मूवमेंट्स कैसे हो रही है, हमने बच्चों को एक ये चीज़ बताई कि आपको एक साइज का शीशा लगाना ताकि जो पीछे मूवमेंट हो रही है उनको स्टिक किया जाए। अब बच्चों का उसमें दो तरह के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं कि शीशा बहुत महंगा है, हमने मार्केट में उस शीशे की कीमत पता की, आप लोग भी कर लीजिए, इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 800 to 1200। और मोस्टली जो बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम किया है वो जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उससे दूर के छात्र हैं, तो अगर वो ऑफलाइन पेपर देने जाते हैं तो वहाँ उनको एज ए PG रहना पड़ता है 20 दिन, तो ये तो बहुत माइनर कॉस्ट है। सेकंड बात ये हो सकती है कि कहीं इस गांव में इस साइड का शीशा अवेलेबल ना हो, ये बातें हो रही, तो उसके लिए दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद कोई शीशे का साइज नहीं है, हमारा मकसद है मैल प्रैक्टिस को रोकना। तो अगर हम उसमें बेसिकली क्या विजिबिलिटी चाहिए कि बच्चे के सिर और उसके ऊपर का हिस्सा और नीचे ये टांगों का हिस्सा जो कुर्सी के नीचे खाली जगह है, या वो कवर हो शीशे में थोड़ा सा लेफ्ट राइट, तो वो छोटे छोटे 2-3 शीशे जो हमारे पे घर पे मिरर होते हैं ना जो वॉश मशीन पे लगा होता है, वो अगर वो 4 शीशे लगा भी लेता है जिसकी कीमत 200 रुपया होती है तो उससे भी वो काम चल सकता है। लेकिन हम किसी भी तरह से बच्चा, हमारा मकसद ये है कि बच्चा नकल रुके, नकल कम से कम हो, ठीक है, हमारा कोई किसी भी बच्चे पे कोई नाजायज उस पर प्रेशर डालने का नहीं है, बच्चा फ्री होकर पेपर दे, लेकिन कुछ चीज़ों को अश्योर करें कि जहाँ वो बैठ के पेपर दे रहा है वहाँ पे अनड्यू मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और लोग नहीं आने चाहिए, उसको इतना 3 घंटे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसे उदाहरण आते हैं कि लड़कियाँ बहुत है BEd में, वो कह रहे हैं कि मैं अभी न्यूली मदर हूँ मुझे बेबी फीड करना है तो मुझे टाइम दिया जाए, तो क्या अगर बच्चा वो ऑफलाइन पेपर देने जाता है तो क्या उसको मदर फीड करने के लिए बीच में टाइम दिया जाता है, तो ये चीज़ें तो हम कैसे श्योर कर सकते हैं, वो क्या कह रहा है, किसी घर बैठा बच्चा पेपर दे रहा है तो उसको 3 घंटे का जो 3 घंटे का पेपर है उसके लिए 3 घंटे, जो 1.5 घंटे का पेपर है उसको 1.5 घंटा, वो समय तो उसको निकालना होगा। तो सर डेडिकेटेड कितने बच्चे अपील हो रहे हैं BEd में, और ये जो मेथड आप कह रहे हैं मेरे जो मेथड है आने वाले जो परीक्षाएं बाकी की उनमें भी अडॉप्ट किया जाएगा? ऑनलाइन अगर ऐसा है, ऑनलाइन एग्जाम आगे होते हैं, पहले तो ये है कि ऑनलाइन एग्जाम एक टेम्परेरी प्रोविजन है, कोरोना की पोजीशन थी और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे ऐसी कोई पोजीशन ना आए कोरोना की और आगे हम ऑनलाइन एग्जाम पे हमें जाना ही ना पड़े, हम ट्रेडिशनल जो हमारे ऑफलाइन एग्जाम है उस पे गए, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो डेडिकेटेड सेंटर पे तो सक्सेसफुल है, मान लो कोई डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब को हमने सेंटर बना दिया, वहाँ एक बजे रहो वहाँ बच्चे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन घर पे बैठे एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी टफ टू मैनेज दैट टाइप ऑफ एग्जाम, तो इसके लिए ये टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमने COVID-19 की सिचुएशन की वजह से करना पड़ा, और भगवान से प्रार्थना यही है कि आगे इसकी कोई और वेव ना आए और हम अपना बकायदा ऑफलाइन क्लासेस हो ऑफलाइन और उसमें हम आगे ताकि, लेकिन साथ के साथ हमें इसको आगे के लिए तैयार होना है हमें कि ऐसी कोई पैनाडेमिक दोबारा आ जाती है, जब IT टूल्स का यूज़ तो बढ़ेगा
तो कुछ पोर्शन हम सिलेबस में आगे आने वाले में, जैसे कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि एटलीस्ट मिनिमम 20% सिलेबस आप ऑनलाइन चूज करो, तो उसका कुछ सिलेबस इस तरह से हो क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम डेडिकेटेड सेंटर्स पर हो सके कंप्यूटर लैब्स में, तो वो भी होने वाला है। ये सारी तैयारियां चल रही है। सर, अभी जब बाहर थे तो अनुपम भाटिया सर ने बच्चों पर ऐसा कुछ है सर जिसमें ये भी नहीं, हम देखो ना तो अनुपम भाटिया जी ने ऐसा कोई स्पेसिफिक आरोप लगाया है और ना ऐसी कोई बात है। कोई भी छात्र संगठन जो होता है वो किसी भी, मैं ये मानता हूँ किसी भी तरीके का टाइप का वो छात्र संगठन है वो नकल को प्रमोशन के लिए काम नहीं कर सकता। वो ना नकल करने वालों के साथ है और ना कभी होगा। और मैं इतना आपको विश्वास करता हूँ इन्हीं छात्र संगठनों के बच्चे जो हैं वो हमें आगे बताते हैं कि नकल कैसे चल रही है और उसको कैसे रोकना है। ये नकल रोकने में हमारी सहायता कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ये सही नहीं है। लेकिन कुछ ये जो डाउट पैदा हुआ होता कैसे है कि कुछ लोग अनर्गल बातें करते हैं कि किसी भी संगठन का नाम लेके कह देंगे वो कर रहा है, वो गलत है। वो सिर्फ झूठे आरोप कोई लगा दे किसी वीडियो में किसी में भी, उसकी सत्यता स्थापित नहीं होती है। और मेरा ये विश्वास है कोई भी छात्र संगठन किसी भी तरह किसी भी नकल कराने वाले के साथ नहीं जुड़ा हो सकता सर। तुम तो उसके लिए ऐसा था ऑफलाइन का ऑप्शन हमने इसलिए दिया था, हमने बच्चों को पहले बताया था भाई जिनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है तो वो आकर ऑफलाइन एग्जाम दें। तो अब बच्चे को जब पहले बता दिया, एक बार तो हम ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं और किसी बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है तो इसलिए तो ऑफलाइन का ऑप्शन दिया है। अब इंटरनेट है नहीं, मैं ऑनलाइन एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूं तो कैसे काम जाऊंगा। गाइडलाइन पे भी सवाल उठाते कि हमको पहले गाइडलाइंस नहीं बताई, सारी गाइडलाइंस उनको पहले बताई गई हैं और आज भी जिस डेट में उनको बता दी गई थी वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। इवन जब वो ऑनलाइन एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हैं उस रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब वो गाइडलाइंस पे एक अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं इन गाइडलाइंस को मानता हूं और ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैं अपने आप अरेंज करूंगा। कोई गाइडलाइंस बाद में नहीं बताई गई, जो बात हो रही है वो गाइडलाइंस की जो बाद में जारी की गई है वो हमें कुछ पता चला। कुछ ऐसा होता है डेटेरेंट की तरह हमें गाइडेंस जारी करनी पड़ती है। हमें पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं अपने भाई बहनों से आंसर लिखवा रहे हैं शीट पे, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक ही शीट में लिखते हैं फ्रंट पेज बदलते हैं और कई बच्चे उसको अपलोड कर रहे हैं। तो हमने दो तीन गाइडेंस बनाई, एक तो एक रूम में एक ही बच्चा पेपर देगा क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा हो रही, दूसरा कि भाई अगर कोई बच्चा पकड़ा गया उसके मल्टीपल हैंडराइटिंग हुई, देखो वो तो स्वाभाविक है कि बच्चे ने खुद लिखने इसमें पहले गाइडलाइंस जारी करने को पहले थोड़ा हमने ये गाइडलाइन लिखते कि भाई तुम्हारी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। वो जब हमारे पास रिपोर्ट आई हमने बच्चों को सावधान करने के लिए भाई ऐसा काम ना करो जिससे आप लोगों को तकलीफ हो और नकल को बढ़ावा मिले, तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास ऐसी कंप्लेंट है तो अगर आप अलग अलग हैंडराइटिंग होगी या एक ही हैंडराइटिंग की कई बच्चों ने कॉपी अपलोड कर रखी हुई और वो पकड़ में आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो उनको एक सावधान करने के लिए बच्चों को बताया गया। ठीक है।